अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो हमारा टॉपिक है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे साइंस की फील्ड में। इनकी जो है तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन की इन द फील्ड ऑफ साइंस, वो है जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक इस्माई और बू अली सीना। इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे। जाबर बिन हयान का जो लाइफ पीरियड है वो 721 to 1815 AD है। ये इराक में पैदा हुए और इन्होंने मेडिसन्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। बॉर्न एंड प्रैक्टिस मेडिसन्स इन इराक। उसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे जो है वो बेस करती हैं। फेमस बुक्स में इनकी अल हैवान एंड अल नबादात जो है वो आती है। तो ये इराक में पैदा हुए, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसन्स पर काम किया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की केमिस्ट्री में। इन्होंने बुक्स लिखी प्लांट्स और एनिमल्स पे, और इनकी फेमस बुक जो है वो अल हैवान एंड अल नबादात है। उसके बाद है अब्दुल मलिक इस्माई। अब्दुल मलिक इस्माई 740 to 828 AD का जो है वो लाइफ पीरियड है। उसके बाद जो है ये पहले साइंटिस्ट थे या पहले मुस्लिम थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में जो था वो डिस्कस किया। फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में जो था वो पढ़ा। और इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं वो हैं अल अबिल।